हेलो लर्नर, मैं हूँ ऋचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ बाय ऋचा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक नई सीरीज जो कि है आईसीटी के क्वेश्चन। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी 2021 के जो आईसीटी के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, एन आईटी कंपनी हैज़ रिसेंटली प्रोड्यूस अ न्यू लैपटॉप। ठीक है, कोई कंपनी है जिसने कि एक नया लैपटॉप बनाया है दैट यूज लेस पावर। वो ऐसा लैपटॉप है जो कि बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है, स्मॉलर इन साइज है, ठीक है, छोटा भी है और वेटलेस है देन प्रीवियस लैपटॉप मॉडल। ठीक है, तो कह रहा है कि उसमें कौन से उसने टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट किया होगा या कौन सी ऐसी चीज़ को जो है रिप्लेस किया होगा। तो ऑप्शन में है कि फास्टर रैम यूज़ किया है, ब्लू रे ड्राइव यूज़ किया है या एसएसडी यूज़ किया है और एलसीडी यूज़ किया है। तो इनमें से हमें बताना है कौन सी चीज़ उसने यूज़ किया। इन सभी चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, रैम रैम क्या होता है, रैम इज़ अ स्टैंड, रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसे रैम कहते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम जिस भी टाइम जो भी हम प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, जैसे कि जो भी कुछ चला रहे हैं लैपटॉप में, लाइक सपोज हम म्यूज़िक चला रहे हैं, जैसे मैं अभी क्या है कि मैं ये जो भी कुछ है, ये सेटअप है, ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं अपने लैपटॉप में, तो उस समय वो कौन सी मेमोरी यूज़ करता है, वो रैम यूज़ करता है। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि होती है कंप्यूटर की, और ये इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये इतना ही बड़ा साइज़ में होता है जितना कि आपको यहाँ पे इमेज से अंदाज़ा लग रहा होगा, इतना ही बड़ा साइज़ में होता है और इस तरीके से होता है। ये 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, इस तरीके से जिस भी लैपटॉप की जैसी कैपेसिटी होती है वैसा उसमें लगा सकते हैं हम। ठीक है, और इसका साइज़ जो है स्टैंडर्ड होता है, ऐसा ही साइज़ होता है। सो अगर हम फास्ट रैम यूज़ करेंगे तो उससे साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। और रैम फास्टर या क्या होगा, वो तो जितना GB आप रैम, अगर आप 4GB यूज़ करते हैं, 8GB यूज़ करते हैं, तो वो उस साइज़ पे आपके कंप्यूटर उसकी जो फास्टेस्ट है वो कितना तेज आपका कंप्यूटर चलेगा, वो कितना GB आप रैम यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ब्लू रे जो यहाँ पे बताया कि ब्लू रे डिस्क यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, इट इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट डिज़ाइन टू डिस्प्ले हाई डेफिनेशन वीडियो टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। एक्चुअली क्या होता है, एक तरीके का सीधी DVD टाइप का होता है। देखिए, जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये है ब्लू रे डिस्क, तो इसको हम इसमें हम डेटा रख सकते हैं ना, जैसे कि हम मूवीज़ वगैरह DVD में, कई CD में। तो क्या होता था कि जब पहले जो है CD आती थी, एक मूवी ही दो पार्ट में होती थी उसमें, ठीक है, बट जो DVD आई उसमें क्या था कि एक DVD में हम 3-4 मूवी रख सकते थे। ठीक है, इसकी कैपेसिटी इतनी होती थी। तो जो DVD है वहाँ पे हम इस तरीके से डेटा को रख सकते हैं, तो इससे कोई हमारे लैपटॉप की साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, ये कहता है कि SSD हम यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है, ये कहता है SSHD हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे जो पहले लैपटॉप आते थे उसमें ज़्यादातर क्या यूज़ होता था, हार्ड डिस्क यूज़ होती थी। ठीक है, तो ये है हार्ड डिस्क, आप हार्ड डिस्क का साइज़ देखिए इतना बड़ा है। ठीक है, और जो हार्ड डिस्क वाले कंप्यूटर होते हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। SSD क्या होता है, ये SSD छोटी सी पतली सी SSD होती है। जैसे अगर देखें जो बिल्कुल छोटा वाला पहले फ़ोन आता था, तो उसकी जो बैटरी होती थी, पीछे जो बैटरी लगी रहती थी, उतना पतला और उससे भी, मतलब जो उसकी थिकनेस है उससे भी पतला होता है SSD। ठीक है, तो SSD काफ़ी पतला होता है, और अगर इसके मुकाबले देखें, और छोटा भी होता है साइज़ में, लेंथ उतनी होती है, बट ये जो आप देख रहे हैं ये विथ ये कम हो जाती है और ये भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये SSD है, तो SSD का वो यूज़ करते हैं, तो SSD वाले जो लैपटॉप होते हैं वो पावर भी कम कंज्यूम करते हैं। SSD अगर आप देखें तो आजकल SSD लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो क्योंकि वो बहुत ही फास्टेस्ट चलता है। ठीक है, और SSD पावर भी कम कंज्यूम करता है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम SSD यूज़ करें ये लैपटॉप में, तो क्या होगा, वो हल्का भी हो जाएगा लैपटॉप, हम स्मॉलर भी बना सकते हैं और पावर भी कम कंज्यूम होगा।
ठीक है, बट यहाँ पे देखिए एक जो फोर्थ ऑप्शन है एलसीडी टेक्नोलॉजी, इसको भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए एक पहले आता था टीएफटी, तो बहुत पहले तो आप वो देखेंगे कैथोड रे वाला जो आता था, उस तरीके के जो वो डिस्प्ले होता था, उसमें पीछे खूब बड़ा सा स्क्रीन के पीछे बहुत बड़ी सी एक वो चिपकी रहती थी मशीन टाइप की, ठीक है, तो वो तो बहुत पहले आता था। उसके बाद क्या आया, टीएफटी आया, टीएफटी जिसको कि क्या बोलते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी स्क्रीन इस तरह से होती थी, ये आपका टीएफटी है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो नया मॉडल आया, फिर आया एलसीडी, एलसीडी से क्या हुआ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आने लगा। जब आप स्क्रीन पर टच करेंगे तो आपको थोड़ा सा फील होगा, और ये एक तरीके से इसका भी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, बोथ का टर्म जो है रिफर टू, यहाँ पे दोनों ही जो है फ्लैट स्क्रीन के लिए यूज किया जाता था, कंप्यूटर के मॉनिटर में और टेलीविजन के सेट में भी यूज करते हैं। टीएफटी विल गिव यू फुल कलर हाई रेजोल्यूशन, और एलसीडी ये भी क्या होते हैं, बहुत ही मतलब ये भी अच्छे होते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद क्या आया, एलईडी का वर्जन आया, ठीक है। अगर आप देखें कि अब जो लैपटॉप आ रहे हैं या मेरे पास जो लैपटॉप है वो भी एलईडी है, ठीक है। एलईडी क्या होता है, रिलेटिवली ये एकदम सबसे न्यू टेक्नोलॉजी है जो एलईडी यूज करते हैं, ठीक है। ओएलईडी ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से बिल्कुल एचडी में दिखता है, चीजें बिल्कुल क्लियर दिखता है, ठीक है। तो ये एलईडी होता है जो और थिनर हो गया, और जो है बहुत ही क्लियर जो कलर है उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आता है, इस तरीके का। तो अब एलईडी आने लगा और ये काफी अच्छा लगता है इसमें देखने में, आप कोई भी कलर अगर आप देखते हैं, इवन रेड कलर ब्लू कलर कोई भी आप देखें तो काफी अच्छा दिखता है इसमें। तो ये जो होता है वो एलईडी होता है। नेक्स्ट अगर अब आप देखें तो नेक्स्ट जो जो मैक के लैपटॉप आते हैं तो वो अब आजकल काम कर रहे हैं रेटिना डिस्प्ले पे, कि उनके स्क्रीन जो है मतलब काम क्या कर रहे हैं, उनकी अब आती ही है मार्केट में, अब आ चुकी है, उनकी जो स्क्रीन होती है वो रेटिना डिस्प्ले होती है, कि वो आंखों को भी अफेक्ट नहीं डालते हैं। यहाँ पे किस तरीके से जो है मॉडल में वेरिएशन आए, पहले टीएफटी आया, एलसीडी आया, एलईडी आया, और अब रेटिना डिस्प्ले आया, ठीक है। तो अगर मैं पावर कंजम्पशन की भी बात करूँ तो जैसे जैसे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे मूव ऑन करते जाते हैं, उस वे में हम चीज़ें कैसे बनाने लगते हैं, हल्की बनाते हैं और लेस पावर कंजम्पशन वाली चीज़ें पे मूव कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो आप देखें कि पहले सबसे पहले क्या था कि येलो वाले बल्ब आते थे ना जो 100 वाट के होते थे, फिर क्या आया ट्यूबलाइट्स आने लगी, ट्यूबलाइट्स कितनी 40 वाट की आने लगी। उसके बाद क्या आया सीएफएल आने लगे, सीएफएल से जो कि मतलब थोड़े वैसे होते थे कि हम उनको लगाने में भी इजी, और उनकी लाइट भी व्हाइट लाइट होती थी, पावर भी कम कंज्यूम करते थे एज कंपेयर टू जो बल्ब था। फिर अगर आप देखें तो अब क्या आने लगी, एलईडी आने लगी, तो वो तो और ही कम पावर कंज्यूम करती है, 6 7 8 वॉट में काफ़ी अच्छा जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइट मिल जाती है। तो हम किस तरफ मूव कर रहे हैं चीज़ों को, आप समझे कि चीज़ें हल्की होती जा रही हैं, पावर भी कम कंज्यूम हो रहा है, उनको ईजी करना, उनको यूज़ करना भी काफ़ी ईजी है। तो ये चीज़ें आप देखिए, तो वैसा ही जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये रटना नहीं है ऑप्शन को कि यहाँ पे जो है एसएसडी ही होगा, यहाँ पे ऑप्शन चेंज भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे एलसीडी जो लिया गया है ये टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, अभी अगर यहाँ पे वही रेटिना डिस्प्ले लिखा होता तो हम शायद उस पर मार्क करते, ठीक है। बट यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो मार्केट में चल रही है वो एसएसडी है, तो आपको आईसीटी में क्या ध्यान रखना है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनसे रिलेटेड आपको आंसर टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आपसे पूछा है कि लेस पावर कंज्यूम हो, स्मॉलर इन साइज हो, वेट भी लेस हो, तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो एसएसडी है, इसलिए हम एसएसडी पे यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे कि अगर आप देखें कि जो मैक है यानी कि जो एप्पल जो ब्रांड है उसने अब क्या काम करना शुरू कर दिया है, अब वो माइक्रोचिप्स पे काम कर रहे हैं, कि क्योंकि आप देखिए कि एसएसडी जो है, एसएसडी को सबसे पहले मैक के लैपटॉप में ही आपने देखा होगा, मैक में आया, फिर अब क्या है कि अब जो डेल है, लेनोवो है, एचपी है, ये सारे जो ब्रांड हैं उन्होंने भी एसएसडी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्योंकि मैक को अपनी चीज़ों को, अपने ब्रांड को बहुत ही टॉप पे रखना है या उसको अपने आप में हमेशा इम्प्रूव करना है, तो वो किस पे काम कर रहे हैं, अब वो माइक्रोचिप पे काम कर रहे हैं, कि ये जो अभी हम इतनी बड़ी एसएसडी लगाते हैं
उसको हम कन्वर्ट कर लें कि हम छोटे से चिप में लगा दें और कॉम्पैक्ट लैपटॉप बना सकें और हल्का लैपटॉप बना सकें। तो ये इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आंसर SSD होगा, बट अभी ये चीज़ बनी नहीं है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आंसर मार्क करते समय कौन सी चीज़ लेटेस्ट से रिलेटेड है, कौन सा अपडेटेड चीज़ है। ठीक है, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेमोरी देखिए दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड इज द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में आपका होता है रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में जो कि अभी हमने देखा था कि हार्ड डिस्क है, SSD है, SSD है, तो ये वाली सब चीजें आपकी जो है सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा होती है। प्राइमरी में क्या आता है, रैम। रैम की वो मेमोरी होती है जिसमें हम प्रेजेंटली काम कर रहे होते हैं, ये आपकी रैम होती है। और रोम क्या होता है, जिसमें समझ लीजिए कि आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर इनबिल्ड होता है, ठीक है, वो आपका रोम होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है मेरा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मेन मेमोरी, मेन मेमोरी इनमें से कौन सी मेमोरी है। तो रैम जो प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी मेन मेमोरी है। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है, ये तो सेकेंडरी मेमोरी है, और रैम क्या है, तो प्राइमरी मेमोरी है। सीडी, रोम, सीडी यहाँ पर लिखा हुआ है, सीडी जब हम अलग से यूज कर रहे हैं तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, पेन ड्राइव भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गई, जो भी चीज़ हम बाहर से यूज कर सकते हैं, जैसे मेरे पास भी एक अलग से हार्ड डिस्क है। ठीक है, 1 TB की हार्ड डिस्क है जिसमें जो भी डेटा होता है मैं अलग से स्टोर करना चाहती हूँ, तो मैं उसको अलग से लगा लिया, USB केबल के साथ मैं अटैच कर सकती हूँ उसको और मैं यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, पेन ड्राइव भी आप देखिए USB केबल के साथ आप यूज़ कर लेते हैं, उसमें USB का पोर्ट ही बना होता है और आप ऐसे लगा करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, जो हम बाहर से अटैच कर सकते हैं वो सभी आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई। और जो मतलब जैसे आप रोम है तो रोम को आप चेंज नहीं कर सकते, जो भी आपकी कंप्यूटर में फिक्स है वो फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते। रैम में क्या है कि रैम जो चिप है वो आप जितने का भी स्लॉट बना होगा, जितनी कैपेसिटी होगी लैपटॉप की, आप उतना यूज कर सकते हैं। अगर कैपेसिटी 16 GB की ही रैम की है तो आप उतना ही लगा सकते हैं उसमें रैम। ठीक है, बट रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है और इसको इसमें वो सारी चीजें आएंगी जो आप करेंटली यूज कर रहे होंगे वो रैम में आएंगी। ठीक है, तो रैम सिर्फ आपका प्राइमरी मेमोरी होगा और यहाँ पर थर्ड वाला जो है ऑप्शन सिर्फ होगा जहां पर केवल ए जो है रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर कॉम्पोनेंट, रैंक देम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टाइम। तो कह रहा है कि हमें ये जो भी एक्सेस करने का जो समय है या जो मेमोरी है वो उसको हमें एक ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, ये एकदम परफेक्ट ऑर्डर है, ये आप किसी भी क्वेश्चन में इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप इसको यूज कीजिए। तो देखिए, जो सबसे पहले यूज होता था, हम मैग्नेटिक टेप का यूज किया करते थे, टेप की तरह वहां पे चीजें, मतलब आप देखना टेप रिकॉर्डर्स वगैरह में जो चीजें होती थी, अगर कभी आपने देखा होगा कैसेट्स वगैरह होती थी तो उसमें जो डेटा रिकॉर्ड होता था, तो वो कैसा था, मैग्नेटिक टेप था। फिर क्या आया, ऑप्टिकल डिस्क आई। ठीक है, फिर हार्ड डिस्क आया। ठीक है, हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं और मैग्नेटिक डिस्क है, ये मैंने प्रॉपर एकदम फिक्स सीक्वेंस है, आप इसको लिख लीजिए, जैसा भी क्वेश्चन होगा आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आया, SSD आया। तो अब हम SSD पे स्विच कर चुके हैं, लगभग सारी कंपनी SSD बनाने लगी हैं, लैपटॉप में यूज करती हैं, और रैम तो यूज करते ही हैं, ये और भी ज्यादा फास्टेस्ट होता है। जैसे कि अगर आप कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो कॉम मतलब जो आप करेंटली यूज कर रहे हो, जैसे आप लैपटॉप में कोई चीज अपने गूगल पे अगर आप कोई चीज सर्च करें या यूट्यूब पे आप कोई चीज सर्च करें तो देखते होंगे कि फिर उसी से रिलेटेड चीजें आने लग जाती हैं। ठीक है, तो कैच मेमोरी भी इस तरीके की होती है, जो चीज आपके कैच मेमोरी में पड़ी हो लैपटॉप में। आप मोबाइल में भी देखिए कि कई बार जब बहुत ज्यादा ऐप यूज करने लग जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी जो कैच मेमोरी होती है वो फिल हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है, फिर उन चीजों को हम इरेज करते हैं, अपनी कैच मेमोरी को क्लीन करते हैं, तब हम अच्छे से किसी एप्लीकेशन को यूज कर पाते हैं।
क्यों? क्योंकि उसकी जितनी भी कैपेसिटी थी वो फिल हो गई. अब जो काम हम कर रहे हैं, यानी कि जो काम, जो जिस समय सिस्टम, जो एप्लीकेशन यूज होना है, उसको यूज करने के लिए कुछ मेमोरी चाहिए, ठीक है. वो आपकी जो है रैम होती है कैश, ठीक है. और रजिस्टर्स जो होते हैं एकदम पतले पतले से, छोटे छोटे से ऐसे टाके टाइप के होते हैं रजिस्टर्स, जो कि वो डायरेक्ट बहुत ही कम स्पेस होता है इसमें. आप देखें तो ये बहुत ही कम स्पेस कवर करते हैं और बहुत ही तेज चलते हैं. तो ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ये किस तरीके का सीक्वेंस है कि यहाँ पर चीजें धीरे धीरे, जो जैसे अगर आप देखें तो धीरे धीरे ये आपका कॉस्टली होता जाता है. मैग्नेटिक टेप सबसे सस्ता आता था और जो रजिस्टर और ये जो कैश मेमोरी, ये सबसे ज्यादा महंगी होती है, ठीक है. महंगी होगी तो कैसी हो जाएगी, जितनी चीजें आप महंगी लेते जाएंगे ना टेक्नोलॉजी में, उतना ही आपका जो है स्पेस जो है वो कम कवर करेगा और फास्टेस्ट होता जाएगा, महंगा होगा और फास्टेस्ट होगा, ठीक है. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये सीक्वेंस और जो भी बातें मैंने आपको बताई. अब यहाँ पे हमें जो है इसको लगाना है सीक्वेंस में. तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे रजिस्टर्स तो है नहीं, लेकिन क्या है यहाँ पे कैच दिया हुआ है. कैच बिल्कुल सीपीयू के पास होता है. तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो फास्टेस्ट होगा वो आपका सीपीयू होगा. सीपीयू के बाद क्या था, सीपीयू की कैच मेमोरी होगी. फिर उसके बाद क्या आएगा, रैम आएगी, ठीक है. रैम के बाद क्या आएगा, आपका एसएसडी आएगा. और उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क वगैरह जो भी कुछ ड्राइव वाइव है वो सब आ सकती है, ठीक है. तो बी जो है सबसे जो है बाद में आना चाहिए और सबसे पहले सी आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है. फिर ए आएगा, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन. तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है. फोर्थ इज द करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है. इसमें भी क्या क्वेश्चन है, कंप्यूटर के टर्म्स दिए हुए हैं और उनको डिस्क्राइब किया हुआ है, उन्हें मैच कराना है. तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक टेप है. मैंने अभी आपको बताया मैग्नेटिक टेप, जैसे जो कैसेट्स वगैरह होती थी उसमें जो हम, अगर आप देखें तो मेरे घर में तो पहले एक डेक होता था, ठीक है. उसमें से दो स्पीकर लगे होते थे और उसमें कैसेट लगाते थे. कैसेट से हम गाने सॉन्ग्स वगैरह सुना करते थे. तो मैग्नेटिक टेप वो स्टोरेज का काम करता है, ठीक है. मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड हम मोबाइल में यूज करते हैं तो वो होता है मेमोरी कार्ड. और हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जो अलग से लगा सकते हैं कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में भी होता है हार्ड डिस्क, ठीक है. और डीवीडी, जो सीडी वगैरह जो बताया था आपको कि मूवी वगैरह उसमें हम रख सकते हैं, वो आपकी सीडी होती थी, डीवीडी होती थी. तो अब यहाँ पे लिखा हुआ यूज इन डिजिटल कैमरा, फोटो प्रिंटर्स एंड सेलफोन्स. तो सेलफोन्स में हम क्या यूज करते हैं, सेलफोन में हम मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, कैमरा में भी मेमोरी कार्ड लगा होता है, ठीक है. यूज लेजर बीम टेक्नोलॉजी टू रीड और राइट द डेटा. लेजर जो लेजर बीम टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम रीड और राइट करते हैं डेटा को, तो वो आपकी होती है डीवीडी, ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे यूज डेटा आर्काइवल पर्पस बट मस्ट बी एक्सेस सिक्वेंशियल. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी हम एक्सेस करेंगे सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही चला सकते हैं, ठीक है. तो ये आपका क्या होता है, मैग्नेटिक टेप होता है. देखिए ना, जैसे पहले आप कैसेट्स में देखते होंगे कि जो भी जितने, अगर आप 10 गाने भरे हैं, 10 सॉन्ग्स आपने डाल रखे हैं, तो अगर आपको 8 नंबर वाला सुनना है तो आपको पूरा जो है उतना फॉरवर्ड करके वहां पर आना पड़ेगा, उसकी रील को घुमा करके उधर लाना पड़ेगा, तब आप जो है उसको सुन पाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे सिक्वेंशियल ऑर्डर चलता है और ये जो है आपका मैग्नेटिक टेप हो जाएगा. और फोर्थ है यहाँ पे अ सेट ऑफ मटेरियल डिस्क माउंटेड ऑन अ स्पिंडल, ठीक है. तो ये जो भी है आपका कि मेटल डिस्क बता रहा है, तो डिस्क आपका क्या है, हार्ड डिस्क से आप जान सकते हैं इसको, ठीक है. तो अब मैच कराते हैं. यहाँ पे ए जो है ए इज रिलेटेड टू थर्ड, ए इज रिलेटेड टू थर्ड. बी जो है वन से रिलेट करेगा, तो बी यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पे बी वन से रिलेट कर रहा है, सी फोर से रिलेट कर रहा है और डी टू से, बिल्कुल ठीक बात है. सो फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, अ डिवाइस ड्राइवर. डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर का मतलब होता है कि हम जो भी कुछ बाहर से लगा रहे हैं लैपटॉप में उसको चलाने के लिए, जैसे कि बाहर से लगा सकते हैं हम, क्या लगा सकते हैं हम, प्रिंटर अटैच करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे पास भी प्रिंटर है तो मैं उसको यूज़ करने के लिए क्या करूँगी, उसका ड्राइवर यहाँ पर होना चाहिए ना. अगर मैं कोई पेंटाब यूज़ कर रही हूँ तो उसका ड्राइवर, ये भी क्या है, बाहर से अटैच है,
अगर बाहर से कोई भी डिवाइस आप अटैच कर रहे हैं, मैं माइक यहाँ पर अटैच कर रही हूँ तो मैं इसका भी एक डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल करूंगी। अगर मैं कैमरा यूज कर रही हूँ तो ये क्या हो गया, एक डिवाइस है अलग से, तो उसका ड्राइवर यानी उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाती है वो कंपनी, उसी को पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को मुझे डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या अ पोर्ट है दैट कनेक्टेड अ डिवाइस एंड अ सिस्टम, एक पोर्ट है जो कि डिवाइस को कनेक्ट करता है। तो पोर्ट क्या होता है, ये तो यूएसबी से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यूएसबी बेसिकली यूएसबी होता है और अलग अलग तरीके के भी पोर्ट होते हैं, जैसे कैमरा वगैरह जिसमें चलाना हो तो उसका एक एचडी करके कुछ होता है, एसएसडी पोर्ट होते हैं, तो वो पोर्ट होता है। उसका ड्राइवर से कोई लेना देना नहीं है। ड्राइवर क्या है, ड्राइवर तो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये क्या है, ये तो हार्डवेयर की फंक्शनिंग की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म अ डिस्क कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है और सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, और फोर्थ बोलता है अ सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रांसलेट द डेटा इन टू द फॉर्मेट टू अंडरस्टैंड द डिवाइस। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखिए यहाँ पर भी बताया गया है कि एक डिवाइस ड्राइवर है, जैसे कि ये प्रिंटर है, इसमें क्या है, ये वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि वाईफाई के थ्रू आप अपने लैपटॉप से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक डिवाइस जिससे जिससे हमें लैपटॉप को, मतलब जो भी मुझे प्रिंट वगैरह करना है तो मुझे लैपटॉप को कमांड देनी होगी और ये प्रिंट जो है निकल जाएगा जब भी ये कनेक्ट होगा लैपटॉप से। तो देखिए ये वाईफाई के थ्रू इससे कनेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पर देखिए क्या है, यूएसबी पोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी, स्टिल ये कनेक्ट हो गया लैपटॉप से। ठीक है, तो यूएसबी पोर्ट डिवाइस ड्राइवर नहीं हो सकता, ये बात तो क्लियर हो गई। और ये कैसे कनेक्ट होगा, ये कब हम कमांड देंगे और समझेगा कि इसी प्रिंटर से प्रिंट निकालना है, जब इसी पर्टिकुलर का ड्राइवर जो है मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल होगा, तब जब मैं कमांड दूंगी तभी ये चलेगा। ठीक है, तो अ डिवाइस ड्राइवर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस टू अटैच दैट कंप्यूटर। डिवाइस ड्राइवर आर द एसेंशियल फॉर द कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली। तो ये बात समझ में आई कि वो उस कंप्यूटर को प्रॉपर चलाने के लिए जो होता है वो डिवाइस ड्राइवर होगा। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर होगा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देता है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है एक्सेस टाइम इज टिपिकली स्टेटेड इन मिलियंस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड नैनो सेकेंड फॉर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो इसके लिए एक चीज समझ लेते हैं। देखिए एक हायरार्की है, सबसे पहले क्या आ गया, सबसे बड़ा जो है वो सेकेंड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, मिली सेकेंड आते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मिली सेकेंड को 10^-3 बोलते हैं। फिर जो उससे छोटी यूनिट आती है वो आपकी आती है माइक्रो सेकेंड्स की, यानी कि सेकेंड के बाद मिली, मिली के बाद माइक्रो, जिसकी पावर होती है 10^-6 है। ठीक है, उसके बाद आता है नैनो सेकेंड जिसकी पावर 10^-9 है। ये सीक्वेंस है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1 नैनो सेकेंड इज 1 बिलियंथ ऑफ द सेकेंड। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो डिवाइसेस हैं वो हमारा जो स्टोरेज डिवाइस है, एक तो हमारा होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो ये बात आपको पता है कि प्राइमरी में कोई भी लैपटॉप होगा, अगर कोई भी चीज़ आपके प्राइमरी मेमोरी में पड़ी होगी तो वो जल्दी ढूंढ लेगा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में टाइम लगता है, ये बात हमने जान ली थी कि जो रैम है, जो कैच है, जो रजिस्टर्स होते हैं वो सबसे पहले उसमें जल्दी फास्टेस्ट कर लेता है काम। ठीक है, और जो सेकेंडरी है उसमें थोड़ा समय लगता है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि द एक्सेस टाइम इज टिपिकली स्टेटेड इन द मिलियंस मिली सेकेंड्स फॉर सेकेंडरी स्टोरेज एंड नैनो सेकेंड फ्रॉम फॉर प्राइमरी। तो नैनो सेकेंड है जो कि प्राइमरी के लिए और मिली सेकेंड है जो कि सेकेंडरी के लिए, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एवरेज एक्सेस टाइम कैन यूजली बी इम्प्रूव बाई डी फ्रेगमेंटिंग द डेटा कंटेंट ऑफ द हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क में जो डेटा है उसको डी फ्रेगमेंट कर दिया जाए तो जो है टाइम जो है इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसको समझ लेते हैं कि डी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। देखिए फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को तोड़ना, और डी फ्रेगमेंटेशन का मतलब जो टूटी हुई चीज़ें थी उनको मैंने जोड़ दिया।
ठीक है, इन मेंटेनेंस ऑफ द फाइल एंड सिस्टम डी फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस दैट रिड्यूस द डिग्री ऑफ फ्रेगमेंटेशन, जो टूटे हुए चीजें थे उनको एक जगह पे कलेक्ट करके रख दिया। ठीक है, डी जैसे कि ये सपोज इज कि ये बड़ा सा कमरा है, ठीक है, अब आपने कुछ चीजें यहाँ रख दी हैं, यहाँ रख दी हैं, यहाँ यहाँ ऐसे, तो अब इन सभी चीजों को ढूंढना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। अब आप क्या करो, एक उसी कमरे को इस तरह से अरेंज करो कि पांचों चीजें एक ही जगह पे रख दीजिए, तो क्या होगा, फट से आप आओगे यहाँ यहाँ देखोगे और उठा के अपना सामान ले जाओगे। बिल्कुल यही चीज है इसके साथ भी कि जब हम एक जगह पे फाइल को रख देंगे तो वो फटाक से वहीं पे आएगा, चेक करेगा। छोटे कमरे में ढूंढना या एक जगह पे सब सामान रखा है तो ढूंढना आसान हो जाएगा, ये बात कह रहा है। तो डीफ्रेगमेंटेशन से क्या होता है, एक एडवांटेज होता है रिलेवेंट टू द फाइल सिस्टम ऑन द इलेक्ट्रॉनिकल डिस्क ड्राइव, जो यहाँ पे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, इन सभी चीजों के लिए एडवांटेज होता है। द मूवमेंट ऑफ हार्ड ड्राइव इज रीड राइट हेड्स टू डिफरेंट एरिया ऑफ द डिस्क हैव एक्सेसिंग द फ्रेगमेंटेशन फाइल इज स्लोवर, अगर फ्रेगमेंटेड है तो उसको सब जगह सारे कोनों पे देखना पड़ेगा, हर जगह चेक करना पड़ेगा कहाँ पे डेटा पड़ा है, तब वो निकाल के देगा। तो डीफ्रेगमेंटेशन में डायरेक्ट एक जगह पे जाएगा, चीजों को देखेगा, आपको निकाल के डेटा दे देगा, ये है डीफ्रेगमेंटेशन का बेनिफिट। तो यहाँ पे भी बात बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जब डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं तो इम्प्रूव हो जाता है एक्सेस करने का टाइम। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है, सो ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर टीएफटी किस चीज से रिलेट करता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप ध्यान में रखिए कि टीएफटी लिखा हो, नेक्स्ट टाइम फिर टीएफटी लिखा हो, एलसीडी लिखा हो, एलईडी लिखा हो, ओएलईडी लिखा हो, रेटिना डिस्प्ले लिखा हो, ये सभी चीजें क्या है, वो सभी चीजें हमारे मॉनिटर स्क्रीन से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो क्या ये मेमोरी है, मॉनिटर है, इनपुट डिवाइस है, सीरियल पोर्ट है, मॉनिटर है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एट्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, असर्शन है यहाँ पर दिया हुआ है, एवरी जनरल पर्पस कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ऑन इट। कह रहा है जो भी नॉर्मल पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, कंप्यूटर होते हैं, उनमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है ना, अगर कोई भी हम लोग कोई भी कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आप देखें उसमें एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो सभी चीज़ें उसमें इंस्टॉल्ड होती हैं। यहाँ पर देखिए बताया हुआ है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट आफ्टर बीइंग इनिशियली लोडेड इनटू द कंप्यूटर बाय बूट प्रोग्राम मैनेज ऑल अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द कंप्यूटर। कह रहा है कि जो आप ये समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो पहले से इंस्टॉल तो होता ही है। ठीक है, अगर आप देखें कि अगर आप कभी भी जाते हैं मार्केट में खरीदने कोई भी लैपटॉप, अगर आप डेल का लैपटॉप, लेनोवो का, इन सब चीज़ों का आप लैपटॉप लेने जाएंगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, विंडोज आपको पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलेगा। अगर आप देखो कि मोबाइल लेने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एंड्रॉयड का एप्लीकेशन नॉर्मली इंस्टॉल्ड होता है मोबाइल्स में। ठीक है, मैक का लैपटॉप लेने जाओ तो इनका अपना जो भी सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए एप्पल का मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम है, लिनक्स वगैरह भी, लिनक्स वगैरह पहले आते थे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्पल का एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल में यूज होता है, दैट इज iOS, और ये है देखिए लिनक्स की ऐसी फिगर होती है, ऐसा इमेज होता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है लैपटॉप में, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है कि जनरल पर्पज से यूज होने वाले जितने भी लैपटॉप वगैरह हैं, मोबाइल हैं, उन सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम अपना इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, अब रीजन क्या देता है यहाँ पे, मैन एंड कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली, मैन एंड कंप्यूटर जो है, मैन एंड कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये बात ठीक है ना कि देखिए जैसे ये जो कंप्यूटर है ना वो जस्ट एक डिब्बा है, ठीक है, और हम हैं इंसान, तो हमारी बात जो कंप्यूटर को हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो तभी परफॉर्म करेगा, उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा जैसा कि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है,
तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है कि दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए बीच में क्या आता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो यहाँ पर आंसर जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 9th क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से देखना है, समझना है और इस पे बेस मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगी जो कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये हायरार्की का क्वेश्चन है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है क्या होता है सीक्वेंस। अगर 8 बिट है तो कहीं पे एक बिट लिखा होगा तो उसका मतलब 1 byte होता है, और इस तरीके से ये सीक्वेंस है। इतना मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है कि अगर 1000 या 1024 जो है बाइट लिखा हो तो उसको क्या बोलेंगे, 1 KB, ठीक है ना। 1000 होता है ना, ये तो इसलिए के लग गया, के बी, 1000 के लिए के से डिनोट करते हैं। और उसको अगर मैं बाइनरी में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर में लिखूं, और उसी को अगर मैं 2 की पावर में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 10, यानी कि 1 KB इज इक्वल टू 2 की पावर 10। अगर मैं 1 MB की बात करूं तो 1 MB क्या है, 2 की पावर 20। तो यहाँ पर देखिए बस 10 की टेबल चल रही है, सेम सीक्वेंस है, ठीक है। 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ है, 1 MB GB TV, यानी कि 1, अगर 1 MB हो गया, अब यहाँ पर मैं बात करूँ 1 GB की, तो MB के बाद में क्या आएगा, KB, MB, GB, TB, PB, XB, ZB, YB, इस तरीके से सीक्वेंस है। यह आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें हमें सीक्वेंस में लगाना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो देखें अगर यहाँ पर क्या है, 5 KB है, KB को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 10 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर क्या था, 5 था, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। KB के बाद क्या बताया था, KB के बाद MB आएगा, MB के बाद GB आएगा, तो GB आएगा तो यानी 2 की पावर 30 हो जाएगा, बीच में MB हमारा चला गया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 TB, GB के बाद क्या आएगा, TB आएगा, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है, सही है सीक्वेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1500 MB, ठीक है। यहाँ वाला अगर आप देखें कि 1000 MB, तो 1000 MB जब होता है तो वो कितने के बराबर होता है, 2 की पावर 30 के बराबर होता है। 1000 MB का मतलब बेसिकली क्या हो गया, 1000 MB का मतलब बेसिकली हो गया 1 GB के इक्वल, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 30 के इक्वल। अगर यहाँ पे 1500 लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जो भी कुछ आएगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 की पावर 30, 2 की पावर 30 से ये ज़्यादा होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन 2 की पावर 30, 35 लिख सकते हैं या कुछ ऐसे, एग्जैक्टली नहीं 35 होगा बट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें सीक्वेंस में लगाना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन सा हो गया, डी, डी जो है सबसे पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2 की पावर 30, लेकिन ये क्या है, 30 से ज़्यादा वाला है, सो सेकेंड नंबर पे ए आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे सी आएगा, और लास्ट में आपका फोर्थ नंबर पे बी ऑप्शन आ जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बना, डी ए सी बी ऑप्शन फर्स्ट में है, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि देखिए पहले तो आप टेबल ध्यान रखनी है आपको, और फिर इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन में ज़रूर क्रॉस चेक करना है कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पूछा है या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, पहले लार्जेस्ट फिर स्मॉलेस्ट वाला, तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का, इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑर्डर फॉलोइंग कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी, जो है उनको रैंक करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, 100 GB है, 1 TB, तो TB को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा कि 1 TB है, 2 की पावर को 40 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका दो ऑप्शन है बी और डी वाला, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो हमें ये बात पता है कि 30 जब भी होगा तो वो 1000 के इक्वल हो सकता है, ठीक है।
अब अगर 1000 K है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? अगर इसी के आगे 1000 और है, तीन तीन का पेयर बना लीजिए, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? MB लिख सकते हैं। एक देखिए ना, यहाँ पर 1000 KB का मतलब क्या होगा? 1 MB हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब ये क्या हो गया? ये 1 MB हो गया यहाँ तक का पूरा। अब इसके आगे अगर हम 1000 MB होगा तो वो क्या हो जाएगा? फिर ये GB हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक का। तो यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? 10 GB लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको सीक्वेंस क्या बताया था? KB MB GB, KB पे 10 MB GB, GB पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 30। ठीक है, अब इसी में भी हमको तीन दिन का पेयर बनाना है। अब यहाँ पे KB पहले से है, तो यहाँ तक का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा MB। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? MB के बाद क्या आएगा? GB। तो ये क्या हो गया? ये 1 GB हो गया। 1 GB का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर में 30। ठीक है, अब इसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। ये 2 की पावर 40 होता है, तो अब इसको सीक्वेंस में लगाएंगे तो हमें क्या लगाना है? सबसे पहले लार्जेस्ट लगाना है, तो लार्जेस्ट तो सबसे पहले तो सी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये आ जाएगा सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा, और फोर्थ नंबर पे ये वाला आ जाएगा। ठीक है, सो सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी आपका ऑप्शन 2 में है, सो 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने हमारे थे 10 क्वेश्चन। अब आपको मैं ये होमवर्क देती हूँ, ये आपको मैच कराना है, और नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप सभी के आंसर्स आ जाने चाहिए। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। इन सभी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, बट अभी आपको खुद से इसको ट्राई करना है एक बार। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और फ्रेंड्स, मेरा एक टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको क्विजेज वगैरह प्रोवाइड करती हूँ, और जो भी नोटिफिकेशन होता है आप यहाँ पे आपको मिल जाता है। कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। और जैसा भी लगा हो वीडियो, प्लीज़ आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।